मैं लकड़ी से है, देख सके भाया। और मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं कहना चाहूँ कि भाई बहुत ऊंचा है, तो आई टेकिंग अ स्टॉप इन बिटवीन एंड इफ यू कमिंग टू मनाला और एनी वे फॉर ट्रैकिंग, सो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर एंडोरेंस लेवल एंड स्टेमिना एंड फिजिकल लेवल, यू नीड बी यू नो क्वाइट strong enough to climb and to get down. I've been trekking to so issues. मलाना हिमाचल राज्य की कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्राचीन गांव है। यह गांव पार्वती घाटी में चंद्रखानी और देव टिब्बा नाम की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मलाना नदी के किनारे स्थित है। मलाना गांव आधुनिक दुनिया से अप्रभावित है और इस गांव में रहने वाले लोगों की अपनी जीवन शैली और सामाजिक संरचना है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। इस गांव पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज जैसे कि मलाना ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ हिमालयन विलेज एंड मलाना अ लॉस्ट आइडेंटिटी बनी है। देखिए बिल्कुल मैं ऊपर आ चुका हूं और आप ये देख सकते हैं कि कितनी गंदगी नीचे कर रखी है। आप देख सकते हैं, आप हम जरी से हमने टर्न लिया राइट और ये मलाना की तरफ जा रहे हैं। मलाना हाइड्रो प्लांट ये बन रहा है जो कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रास्ता पास हो गया है मलाना का, नहीं तो बहुत दूर हुआ करता था पहले। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट के अंदर हाइड्रो प्लांट आएगा, बहुत बड़ा हाइड्रो प्लांट है ये। एडवेंचर है क्या, रास्ते हैं खतरनाक और एक्चुअल में तो मुझे बहुत ही खतरनाक रास्ते की याद दिला दी है इन्होंने जिंदगी में पहली बार। ये देख सकते हैं रास्ता, आप क्या भूल बनाइए और क्या गुफा बना रखी है, बहुत बड़ी इन्होंने ब्रिज बना रखा है। ये खतरनाक ब्रिज लग रहा है मुझे बहुत, और डरावना भी लग रहा है, लेकिन हम चले बाहर आ गए। एडवेंचर जो ये है मलाना का रास्ता और गाड़ी खड़ी है, पहले गाड़ी मैंने थोड़ी खड़ी कर दी। 3 किलोमीटर ट्रैक, 2 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, लेकिन यार वहाँ फिसल हो रही है और बर्फ़ पड़ रही है, कार फिसल रही है थोड़ी सी। ये लकड़ी साथ में मेरे, और ठंड देख सकते हो यार आप, ठंड कितनी पड़ रही है। एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ है, रास्ते में कहती बर्फ़ है, ये बर्फ़ एक्चुअली काफ़ी है, आपको दिख रही होगी। और मैं भी ट्राई करके बहुत थक चुका हूँ, इसलिए रनिंग वनिंग करते रहिए। और रास्ता देख सकते हैं आप, ये देखिए बर्फ़ रास्ते पे, और ये बर्फ़ बहुत जानलेवा हो सकती है, तभी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सब नीचे खड़ी कर रखी हैं। ठीक है ऊपर भी लेके चलते हैं आपको मनाना गांव की तरफ। तो लगे रहिए मेरे साथ यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाइयों, आपके लिए देखो भाई बहुत कुछ करता है और अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग की चीज़ें करेगा जो आपको आगे बहुत इंफॉर्मेशन और एंजॉयमेंट दोनों देगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू हैवंट। Incident driving faster can cause disaster. Speed limit 20 kilometers per hour. So very nicely said. Driving faster at this Malana way can definitely cause a disaster. So Malana गांव है और यहाँ एक्चुअली पसीने आ गए, माइनस टेम्परेचर है लेकिन पसीने आ चुके हैं। देख सकते हैं आप वे टू मलाना गांव का रास्ता है और बड़ी मुश्किलों से आए, गाने ना बज रहे हैं यहाँ पर, बस पहुँच गए थोड़ा सा हम इस तरीके से। यहाँ से रास्ते से जाएंगे हम और गांव दिखाएंगे, गांव कैसा है आपको। लेकिन पसीना आ चुके हैं, ये ट्रैक है मलाना का रास्ता, ऊपर गाँव है, थोड़ा दिखा देंगे आपको। इट्स फार फ्रॉम हियर यू कैन सी एंड आई कम फ्रॉम देयर एंड आई हैव टू गो अपस्टेयर्स क्लाइंब द माउंटेन। कहना चाहूँ थोड़ा कि भाई मैं लाठी डंडी और से कि भाई की रुकते रुकते जाओ मलाना ऊपर, तो चलो पहलवान बनने की कोई जरूरत क्यों नहीं, अगर तो पहलवान ना है तो भाई ठीक है ना, साधारण व्यक्ति है मर जैसा तो भाई पहलवान ना बने। और
में जा रहा रास्ता पीछे छोड़ रही है उसको एंड बस यार ट्रैकिंग करते रहो थोड़ा सा ट्रैवल करो निकलो घर से बाहर। और बहुत हार्ड रास्ता था ऐसे मुझे मैं 11:10 चला था और अभी शायद 11:55 होने में 1 मिनट बाकी मतलब 11:54 है इसलिए 11:54 एंड आई रीच्ड मलाना इन लाइक 44 मिनट्स। सर मैं सिर्फ मलाना से नहीं आ रहा मैं नीचे से आ रहा हूँ ट्रैक करता हुआ, तो फिर और देख लीजिए आप 3 किलोमीटर नीचे ही ट्रैक है मेरी, उसके बाद मैं यहाँ पहुँचाऊँ। तो अच्छा खासा ट्रैक कर लिया यार हमने और ब्यूटीफुल देखिए व्यूज व्यू देख सकते हैं, मलाना पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। दिस इज न्यू ईयर टाइम सो नाइस, ये देख सकते हैं मलाना मलाना ब्रिज इतना गंदा कर रखा है उन्होंने, वजह से ऊपर आ ही गया। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज मलाना ब्रिज एंटर हो रहे हैं यार, वी आर एंटर आई एम एंटरिंग हियर इनसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, गुड रिसेंट एक्सपीरियंस एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम देयर। देखिए ये है मलाना विलेज इनसाइड, हम जैसे एंटर करा है हमने एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वहाँ से आए हम, आप देख सकते हैं जा रहे हैं हम, गाय देखिए यहाँ की छोटी सी एंड अपर्स अंदर गांव है, ये जैसे घर बने में गांव के अंदर वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर जो आके फील पता लगेगा ऐसे वैसे नहीं पता लगेगा आपको, ये हमारे मनार बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। इससे मलाना गांव की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि ये जो यहाँ पर ऋषि थे हमारे जमाऊ जमाई का ऋषि थे से वो सेज, तो ही वो हेयर, तो उन्होंने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, तो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को आज तक ये लोग फॉलो करते हैं। दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इतिहास ये कहता है कि इस गांव का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय में इस गांव में जमलू ऋषि रहा करते थे, उन्होंने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों के समय से भी पहले से पूजा जाता है। जमलू ऋषि का उल्लेख पुराणों में भी आता है। मलाना में रहने वाले निवासी आर्यों के वंशज माने जाते हैं, जबकि अन्य परंपरा के अनुसार मलाना गांव के लोग अपने आप को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। बहुत समय पहले मुगल शासक अकबर अपनी बीमारी का इलाज करवाने यहां पर आया था। यह अकबर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने यहां पर रहने वाले लोगों को कर से मुक्त करवा दिया था। ऑलमोस्ट मैं मलाना से निकला था, अराउंड मलाना गांव से ट्रैक करके निकला हूँ मैं वहाँ से 1:23:24 में और 1:50 हो रहे, तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में यहाँ तक आ चुका हूँ और सामने ही है, ऊपर ही है जस्ट।